अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। मुझे दो चीज़ें आज बड़ी अच्छी लगी, एक तो जिया की हिंदी जो काफ़ी अंग्रेजीनुमा अंदाज में वो बोल रही है, और बाकी आप लोग जो कर रहे थे बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, वेस्टेज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जो इतने सारे शब्दों का वेस्ट होता है ना मुझसे। जब जब एक शब्द में बात हो सकती है तो क्यों ना कही जाए। हम लोग प्रेम पे कविताएं भी नहीं लिखते लंबी लंबी, प्रेम पे कविताएं क्या लिखनी, बिना बोले जब बात हो सकती है। कोई सामने बहुत खूबसूरती लड़की आ रही हो तो उसमें गजल नहीं कहते, इतना सा कहते मेरे घर में मेरा साला आया तो बीवी ने कहा इनके लिए कुछ लाई है, मैं टैक्सी ले आया बोले ना कुछ खिलाई है, मैंने खिड़की खोल दी मैं अमेरिका गया, उन्होंने मुझे बोला, बोले हमने मोबाइल फोन बनाया, तुमने बनाया क्या, मुझसे पूछ रहा है देखो आप चाइना गया, बोले हमने उसमें सिम कार्ड बना दिया, तुमने बनाया क्या। ताइवान बोले हमने उसमें बैलेंस तक बना दिया, तुमने क्या बनाया। मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार तेरे बाप ने किया था, बता ये हमारा आविष्कार, घंटी देखो छोड़ दो। वेस्टेज नहीं होता ना, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम इतने पॉजिटिव हैं। हमारे यहाँ कोई एक किसी का दाह संस्कार हो रहा था तो कोई एक 90 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए, तो जलाने वाले ने उनसे पूछ लिया, बोले बाबा आपकी क्या उम्र है बोले 90 साल, तो बोले घर जाके क्या करोगे ये स्थितियाँ बहुत अलग है ना, हमारे अलग है। लेकिन जिया तुम्हारी अंग्रेजी और हिंदी वाह मतलब कमाल है, आई वॉन्ट बी योर स्टूडेंट। इस अंदाज में हिंदी बोलने की कला जो है वो बहुत कम लोगों के पास होती है। मैं बताता हूँ अंग्रेजी में भी ऐसा नहीं कि हमने कमाल नहीं किया, मैंने किया, मैं स्कूल में पढ़ता था जिस ज़माने में, तो अंग्रेजी में हमारे पढ़ाते थे, टीचर आए बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया, बोले मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलता हूँ, सेम सेंटेंस वापस बोलो, मैंने कहा सर बोलो, बोले बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पे है, टेबल इज़ ऑन द फ्लोर, टेबल ज़मीन पे है, सो अल्टीमेटली बुक इज़ ऑन द फ्लोर, इसका मतलब किताब ज़मीन पे है। मैंने कहा सर समझ में आ गया, अभी बताओ क्या करने का है। बोले सेम सेंटेंस बोलने का है। मैंने कहा सर सुनो, सेम सेंटेंस सुनो, आपने बोला बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। सर मेरा सेंटेंस सुनो, आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली तो देखो हमने उनकी भाषा में भी काम कर दिया, लेकिन जो हमारी भाषा है ना जी, अब ऐसी भाषा कहीं मिलेगी नहीं, अंग्रेजी में वो भाव ही पैदा नहीं हो सकता। मैंने अंग्रेज को पूछा, मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो, बोले फेस, मैंने कहा थोबड़ा मैंने कहा तुम पत्नी को क्या कहते हो, बोले वाइफ, मैंने कहा लुगाई मैंने कहा किसी से मोहब्बत हो जाए तुम क्या बोलते हो, बोले अफेयर, लव, मैंने कहा लफड़ा, अपने इधर तो लफड़ा होता है लफड़े की अंग्रेजी हो सकती है क्या कोई तुम अंग्रेज हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्या खाके करेंगे। मैंने कहा हमारी पत्नी हमसे रोज उठ के एक वाक्य बोलती है सुबह, तुम उसका तुम अंग्रेजी में अनुवाद कर दो, मैं गुलाम हो जाऊंगा तुम्हारा। बोले क्या बोलती है, मैंने कहा तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है तो जो हमारी अपनी भाषा है इसका मजा अलग, थोड़ा सा कोशिश करो जी। हमारे आजकल के बच्चे, तुम तो खैर नहीं हो जिस चीज की वजह से मैं जाना जाता हूँ वो कविता इसलिए क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, वो तमाम बच्चे इन दिनों जब मैं देखता हूँ और अपने बचपन की तरफ पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे वो नजर नहीं आ रहा जो आना चाहिए। इन दिनों के बच्चों को आप देखते हैं, तो मैं अपनी कविता सुनाता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे इससे बेहतर मेरे पास सुनाने के लिए कुछ है नहीं। इस कविता का शीर्षक है कि मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ। इन दिनों मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ, वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने, वो बच्चे जो माँ की लोरी सुने, वो बच्चे जो धागों के टुकड़ों से सपने बुने, वो बच्चे जो कंप्यूटर में आंखें ना गड़ाए, वो बच्चे जो मौका मिलते ही मोहल्ले में खेलने के लिए चले जाए, वो बच्चे जो नारंगी की गोली चूसें और मुस्काएं, बच्चे जो लूडो में अपनी गोटी चुपके से आगे खिसकाएं, बच्चे जो अपने पापा को सबके पापा से अच्छा बताएं, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे। आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं, और अगली पंक्ति में खास तौर पे कहना चाहूंगा, बच्चे जिन्हें पतंगों से भरा आसमान अच्छा लगे, बच्चे जिन्हें घर में आया हुआ मेहमान अच्छा लगे। प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गुजरात से रोहन चावड़ा का।
मैं एक छोटा सा किस्सा बताने वाला हूँ और ऑडियंस में काफ़ी लड़की लोग हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड से ही बात कर रहा हूँ। तुमको बीच में लगेगा कि शायद लड़कों के साइड का एंगल ले रहा है, पर नहीं, एंड में आपको इसका फ़ायदा पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, अगर किसी को भी अपने सेकेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना हो ना, तो मेरे को फ़ोन करना। देखो, पहली वाली तुम्हारी गलती है। जब आप अपनी गलती रिपीट करोगे ना, ठीक है, तब आप मुझे फ़ोन करना। देखो, मैं तुमको बोलता हूँ कि डेटिंग ऐप पे जितनी भी लड़कियाँ हैं आज की डेट में, इनको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला है। क्योंकि डेटिंग ऐप सिर्फ लड़कियों के लिए बना है। लड़कियाँ ही इसमें मजे कर रहे हैं, हम लड़कों को सिर्फ इस पे निराशा मिली है, और निराशा किसी लड़की का नाम नहीं है। मैं एक बार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक कैफे में गया था, वहां पर मैंने देखा एक कपल चेस खेल रहा था। मैं देख के एकदम इंप्रेस हो गया, लड़के के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। फिर मैंने देखा ध्यान से, ये प्यार में अंधे लोग आमने सामने बैठ के चेस नहीं खेल रहे थे, आजू बाजू में बैठकर चेस खेल रहे थे। लड़का जीनियस निकला, इसने पहले ही पार्टी बदल दी थी। जब चेस खेलते ना, तब एक टॉस होता है, पता है, लड़की व्हाइट पीस से खेल रही थी, लड़का ब्लैक पीस से खेल रहा था। आई एम श्योर वहां टॉस नहीं हुआ होगा, लड़की ने सिर्फ इतना बोला होगा, बाबू मुझे व्हाइट चाहिए। और देखो, कभी भी लड़के लोग ध्यान से सुनो, अपनी बंदी को ये मत बताओ कि तुम कितने स्मार्ट हो। जब इनको पता चलेगा ना कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, ये तुमसे प्यार करना बंद कर देगी। फिर ये तुमसे शादी कर लेगी। फिर लाइफ बन जाएगी रियल चेस, जिसमें हारोगे तुम ही। देखो, और भी पगले कैटेगरी के बॉयफ्रेंड होते हैं। वो कपल में जो था ना, लड़की ऑलमोस्ट छींकने वाली थी, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मुंह पे हाथ रखा। मैं बोला, ब्रो क्या कर रहा है, तुझे क्या लगता है वो छींकेगी और उसके नाक और मुंह से सैनिटाइजर निकलेगा? और तेरे 99.9% जम्स मर जाएंगे। ये देखकर मेरी गर्लफ्रेंड बोलती, देखा तुमने उस क्यूट बॉयफ्रेंड को? मैं बोला, ऐसा आइटम तो बनना ही नहीं है। और भी अजीब कैटेगरी के बॉयफ्रेंड होते हैं, अपनी बंदियों के लिए खाना बनाते। मेरा दोस्त एक कदम आगे निकला, इसने अपनी बंदी के लिए सरप्राइज प्लान किया। मैं बोला, क्या है सरप्राइज? बोलता है, सरप्राइज है। मैं बोला, आइटम मैं थोड़ी तेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे को बता सकता है ना? बोलता है, मैं उसके लिए केक बनाने वाला हूँ, केक, पाइनएप्पल केक। और मैं बोला, इसमें सरप्राइज क्या है? तू पिछले 3 साल से उसके लिए केक ही तो बना रहा है। बोलता, यही तो सरप्राइज है। वो सोचे कि मैं इस साल तो कुछ अलग करूंगा, पर नहीं, मैं सिर्फ पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाऊंगा। मैं बोला, पहली बार खाकर वो कभी तुझे ये बोली कि बाबू केक बड़ा यम्मी था, प्लीज इसको हर साल बनाना? बोलती, नहीं, पर अंडरस्टूड है ना? मैं बोला, ये वही लड़के हैं जो लड़कियों की ना में हाँ समझ लेते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.